शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डार्लिंग, 8 महीनों से हम इन जंगलों में भटक रहे हैं। हम भटक नहीं रहे हैं डार्लिंग, हम समय के अंधेरों में खोए हुए शाकाभूमि कबीले और उनकी सभ्यता के आसार ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं और शाकाभूमि भी यहीं कहीं होना चाहिए। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए शाकाभूमि ढूंढने जा रहा हूं। और डोंट वरी डार्लिंग, 10-12 दिनों की तो बात है, उसके बाद हम वापस चलेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। Yeah.
आई थिंक 20 दर्जन। पीटीआई के संवाददाता का कहना है कि वो चीज जिसे एपमैन या टार्जन कहा जा रहा है वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि जनाब सेठी साहब जो अपने साथियों के साथ जंगुंडा के जंगलों में 4,000 साल पुराने शहर शाका भूमि के आसार तलाश कर रहे हैं, उनके एक साथी कुमार ने उस हैवान या इंसान को खुद देखा जो उनसे लगभग 2 फरलांग के फासले पर था। वो चीज एक जानवर से लड़ रही थी, लेकिन सेठी साहब का ये कहना है कि जिस वक्त कुमार ने ये देखा वो नशे की हालत में थे। लेकिन सेठी साहब का यह भी कहना है शराब के नशे के बावजूद कुमार हमेशा से सही खबरें देते आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि अब वो टार्जन की कहानी एक बार फिर से ताजा होने जा रही है। स्कॉच प्लीज। हेलो डीके। हेलो, मेरा नाम किशनकांत वर्मा है। तो आप शिकार पे जाना चाहते हैं? जी नहीं। तो फिर? मैं अपोलो सर्कस का मालिक हूँ। मुबारक हो। आप परसों शिकार पर जा रहे हैं ना? तुम जिधर जा रहे हो उधर मेरा भी एक काम है, मैं ट्रिप के लिए पूरा खर्चा दूंगा, और अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो 1,00,000 रुपया ऊपर से दूंगा। क्या काम है आपका? जिस तरह से तुम जंगल से शेर चीते हाथी पकड़ कर लाते हो, उस तरह से मेरी सर्कस के लिए एप मैन यानी टार्जन को पकड़ कर ले आओ। टार्जन? क्या करोगे उसका? दरअसल मेरे सर्कस के सारे शोज अब पुराने हो चुके हैं, सारे जानवर पुराने हो चुके हैं। टार्जन मेरे सर्कस के लिए एक नया जानवर होगा, नए खेल खेलेगा, नया तमाशा करेगा और लोगों में एक नया एक्साइटमेंट बन जाएगा। मेरे लिए भी वो एक नया शिकार होगा। एक लाख? Yes. And all expenses paid in any currency that you want. Very interesting. जाना है, चलोगे? नहीं। मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। चलो। आज तो किस्मत खुल गई, लड़की भी मिल गई और पैसा भी। इसे बचाएगा कौन? चले। जैसा हम कहे वैसा ही करती जाना। क्या मतलब? घबरा मत, एक एक करके मैं भी तुमको एक एक करके मारूंगी। हाँ।
आई एम रूबी। जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन यहाँ क्यों आई हो? मेरा यहाँ आना जरूरी था आपको ये बताने के लिए कि आई हेट यू। पंद्रह हजार किलोमीटर दूर तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो? अरे एक दिन की तो मोहब्बत के लिए ही काफी नहीं होती, समझी ना मैं क्या कह रहा हूं। आओ ठीक है शरी साहब, हम मीट माय डॉटर रूबी। हेलो ठीक है। इसकी माँ और मैं जब अलग हुए थे तो सिर्फ एक साल की थी। ये झूठ है, आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था। एक्सक्यूज मी सरी साहब, चलो। आपको शायद मालूम नहीं कि आपकी पत्नी मेरी माँ ने मुझे पालने में कितनी मुश्किलें सही हैं। देखो बेटी, जब कोई घर टूटता है ना तो किसी एक का कसूर नहीं होता, दोनों मियां बीवी का बराबर का कसूर होता है। अब जब तुम मेरे नजदीक आओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ना तो सारा का सारा गुनहगार मैं था और न ही तुम्हारी मां। लेकिन उसे तुम्हें आने का दिया मेरे पास? Because she's dead. और मरने से पहले उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटी अपने डैड से जरूर मिलना और उनसे यह कह देना कि अगर मेरा कोई भी कसूर था तो मुझे माफ कर दे। I'm sorry, बेटी। I'm sorry. Good morning. Good morning. आपकी चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है। Thank you. कहाँ जा रहे हैं सब लोग? ऊपर जंगूडा के जंगल में, तुम्हारे डैड अपने शाखा भूमि शहर की तलाश में और मैं ताजन की तलाश में।
लगता है हमारी मंजिल आ गई। आओ आओ। Yes, sir. अबे वो लंबू जी महाराज इधर आओ, जरा ठोकना इसको ऊपर, जल्दी करो जल्दी, शाबाश शाबाश, जरा इसको उधर ले जाओ, चलो भाई चलो जल्दी करो। शेरी साहब बड़े अच्छे वक्त पर लाए शराब। Come on, DK, take the drink for me. Yes, sir. शरीफ साहब आपकी बेटी बहुत बहुत समझदार है और खूब और खूब खूबसूरत भी। Yes. टार्जन की। तो टार्जन भी अजीब चीज है, कई कहानियां हैं इसके बारे में। बेटी ये जंगल तो उसके नाम से ऐसे बन बनाता है जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता। आज से कई साल पहले मैंने इसका जिक्र सुना था। डॉक्टर वॉट्स के एक गाइड ने 7-8 साल के एक ऐसे बच्चे को देखा जो जंगली बकरियों की तरह दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया। एक्चुअली तभी से उसका नाम इन जंगलों में घूमता रहता है। उसके भी तो उससे डरते हैं, कुछ उसकी पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि टार्जन एक अटकी हुई आत्मा है। उसका तो ये कहना है कि उनके पुरखों की आत्मा टार्जन के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए आती है और रक्षा करके गायब हो जाती है। कुछ का कहना है कि वो 100 फुट लंबा है, कुछ कहते हैं कि शायद 200 फुट। शेरी साहब ये सब किससे कहानियां हैं। टार्जन एक आदमी का बच्चा है जो बचपन में ऊंची पहाड़ियों में भटक गया होगा। मैं इस टार्जन को पकड़कर सर्कस ले जाने वाला हूं, एक जंगली जानवर की तरह। अरे महाराज मेरी बात सुनो, इन सब लोगों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। क्यों? सब के सब डर गए हैं जानवरों से। जी ये लोग जानवर से डरते हैं और जानवर आग से डरता है। चीयर्स चीयर्स, लेट्स एंजॉय। Thank you.
मजे करो मजे करो मचने धूम मचे जमे ने रंग जमे उड़े ने रंग उड़े मस्ती का हवा में होके जियो दीवाने होके जियो जीने का ले लो मजा चिले ले आयो आयो चिले ले मस्ती में आयो आयो चिले ले देखो तुम्हारे लिए चाय लाया हूं। Come on, get up, darling. अरे आई चाहिए भाई। उठो सब लोग। Get up, everybody. क्या हुआ सिरी साहब? देखिए मेरी बेटी रूबी गायब है। गायब? हाँ। जाओ तुम लोग ढूंढो। Go. Thank you.
उसने तुम्हें एक्चुअली बचाया? हैरत की बात, उस जानवर ने तुम्हें? वो जानवर नहीं है डैड, वो इंसान है। ओ कम ऑन रूबी, वो एक खतरनाक वहशी दरिंदा है, उसे तुम्हारी खूबसूरती नहीं। नो डैड, आप गलत समझ रहे, वो आदमी है। देखो रूबी, आज के बाद जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे, राइट? नंबर एक, आज से कभी अकेले नहीं घूमोगी। नंबर दो, इस पिस्तौल को हमेशा अपने पास रखोगी। लो, और कभी टार्जन दिखाई दे तो उसे सीधे गोली मार दो। But daddy, how can I... That's my order, okay? चलो चलो। क्या हुआ सेरी साहब? ताजन हमारे ग्रुप की लड़की को उठा के ले गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जानवर हो या इंसान, अब मैं इस ताजन को गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। सेठी साहब, सब को वापस जाना चाहते हैं। क्या? हाँ सेठी साहब, इनके पैसे दुगने कर दीजिए। ठीक है। लड़की नहीं मिली, लेकिन लेकिन ये देखिए, ये शाखा भूमि कबीले की चीजें हैं। चलने की तैयारी करो। डैडी, मैं अपनी कैंटीन भर लूं? जाओ। ठीक है, जरा रूबी पर कड़ी नजर रखना, टार्जन का खतरा है। ओके।
है। क्या हुआ? रूबी गायब हो गई है। क्या कहते हो? मुझे तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम। आ?
शेरी साहब आप उधर जाइए, मैं इस तरफ जाता हूँ। हर 5 मिनट बाद फायर करेंगे। अगर रूबी जिंदा हो हमें नजदीक समझकर भागने की कोशिश करेगी। मुझे लगता नहीं कि वो शैतान उसे जिंदा छोड़ेगा। Thank you.
जैसा यार चाहिए प्यार चाहिए हो, ला 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 मेरे पास आओगे हो मेरे
परेशान होंगे, मुझे अब जाना है, मुझे जाने दो। अच्छा तुम भी चलो मेरे साथ, क्यों नहीं, तुम एक आदमी हो, आदमियों की दुनिया में चलो। तुमसे अच्छा, तुमसे भोला, तुमसे खूबसूरत आदमी और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें भी एक इंसान बनने का हक है, मैं तुम्हें एक इंसान बनाऊंगी। आओ चलो मेरे साथ, आओ। प्यार का इजहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ जा रहे हो? ठीक है, उस डाजन का शिकार करने। Oh
अच्छा तुम चाहते हो कि मैं कपड़े पहनूं। अच्छा बाबा
ए, छोड़ दो मुझे, पहनती हो ना। ये जगह जिसे लोग जंगल कहते हैं मुझे तो स्वर्ग लग रही है। हवा साफ, पानी साफ, रातें धुली हुई, सुबह चमकती हुई, चांद दोस्त, सूरज मेहरबान। यहां लगता है कि आदमी सचमुच नेचर का एक हिस्सा है। ये भी तो एक आदमी है, सभ्य सिविलाइज्ड आदमियों से बिल्कुल अलग, सचमुच का आदमी, जैसे जिसे तूने बनाया होगा। एक सादा कागज, मैं इसके दिल पर प्यार का शब्द लिखूंगी और इसे प्यार का मतलब समझाऊंगी।
साहब, ये शिकार मेरा है। आप भूमि को कैंप ले जाइए, मैं ताजन के पीछे जाता हूँ। चलो डैडी, मुझे जाने दो डैडी प्लीज। डैडी, डैडी। कम ऑन बेटी, एक जानवर के लिए इतने क्या रो रही हो? वो जानवर नहीं है डैडी, वो जानवर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज ह्यूमन, आदमी है आपकी तरह। अच्छा बाबा, वो आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मुझसे भी अच्छा आदमी है। ऐसे करो, तुम बहुत थक गई हो, अब आराम करो। लो, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूँ। कम ऑन, लाइक गुड गर्ल। ओके, नाउ यू लाइ डाउन। गुड। कमो, रूबी के कपड़े बदल कर उसे टैंक में सुला दो। शाखा भूमि कबीले के लोग हैं जिनकी मुझे कई सालों से तलाश थी। यू कॉल पप्पी बलाइव के
क्या बोलता है? ये पूछता है कि लड़की कहाँ है। बोल जो लड़की लापता है। तो जो ये मनाम के जो आपी। मैं साजो इका मैं कुशा। ज्यादा जिंदा जलाने की बात करता पता। Sugar. T for dozen. R for ruby. Meri ruby. My dozen. Meri ruby. My dozen. Meri ruby. Tumhari ruby. Come on, dozen. Sing with me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W. No, W. Lovelu? No, dozen, it's W. Wablu. Okay, chodo. W is for world. Matlab, duniya. Duniya? चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में, ले चलूं मैं तुमको, ले चलूं मैं तुमको। चलो मेरे साथ चलो एक नई दुनिया में, ले चलूं मैं तुमको, ले चलूं मैं तुमको। Yeah.
God made man, but barber and tailor, they made gentleman. Gentleman, gentleman, ban gaye tum gentleman. Gentleman, gentleman, ban gaye tum gentleman. Husband, husband, biwi, biwi, biwi. Husband, 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 biwi, biwi, biwi. Tum husband, main biwi. Jodi hai janam janam ki. Husband ki hai duty, dekhe biwi ki beauty. Pyar kare usse sada. देखनी है दुनिया को
टार्ज़न की तरफ तुम भागी चली जा रही हो, वो टार्ज़न तुम्हारे फादर प्रोफेसर सिटी का कातिल है। नहीं, ये झूठ है। मेरा टार्ज़न कातिल नहीं हो सकता। तो फिर जंगल में दो टार्ज़न होंगे, क्योंकि प्रोफेसर सिटी की जली हुई लाश मैंने खुद देखी। मैं फिर भी नहीं मान सकती। रूबी, तुमको मेरे साथ आना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्या कहा? सुनो रूबी। Thank you.
इसे जानवर के इंजेक्शन से बेहोश करना पड़ेगा। आज़म को सर्कस लेके जाऊंगा। नहीं। और तुम भी मेरे साथ आओगी। चलो। चलो भी। चलो। ठीक है, मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ, चलो। ठीक है, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दो मुझे। ठीक है, छोड़ दो मुझे। पकड़ो उसको। जंगल के सब जानवर ताज़न को बचाने आ रहे हैं। हेलो कृष्ण कांत वर्मा साहब। यस वर्मा साहब, मैं डीके बोल रहा हूँ। हाँ मैं आपका ताज़न ले आया हूँ। गुड, वेरी गुड डीके, वेरी गुड। तुम फौरन से सर्कस में मेरे मैनेजर के हवाले कर दो। हाय डीके, वेलकम। I hope you... मैनेजर साहब, आइए मेरे साथ, आइए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हाँ, ये रहा आपका ताज़न। Fantastic, fantastic। रूबी, 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 शाराब, रूबी। देखिए, ये रूबी कौन है? रूबी मेरी होने वाली पत्नी है, जिससे मैं ताज़न के पहले शो के बाद शादी करूंगा। फैंटास्टिक। Swing! Swing. Ruby. Ruby. Swing you. Thank you.
पहले सो। स्वयं जानवर पे तस्वे बहाने से कुछ नहीं होगा रूबी। अगर तुमने बहुत जलाया तो कोई एक्सीडेंट करवा के उसको मरवा डालूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी डीके, कभी माफ नहीं करूंगी। मौका मिलते ही मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। पुलिस पुलिस को यह बताना मत भूलना कि तुम दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। दो मल्लाहों का कत्ल कर चुकी हो। मैं भी तुमको एक एक करके मारूंगी। So what? फांसी चढ़वा दे, पर एक आदमी को जानवर बनाकर सर्कस में तमाशा करवाने की सजा तुम्हें जरूर मिलने वाली है। This I promise, DK. I promise. एक बात सुन लो रूबी डार्लिंग, ये जो मैं तुम्हें चमकार रहा हूं उससे धोखा मत खाओ। अगर मैं चाहूं मगर एक बात याद रखना रूबी कि मैं शिकारी हूं और तुम मेरी शिकार हो। और आज तक मैंने किसी शिकार को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। यह बात याद रखना रूबी, यह बात याद रखना। हेलो ठीक है, टार्जन बिल्कुल कहा नहीं मान रहा। क्या कहा नहीं मान रहा? डीके मुझे तो डर है कि मेरे शो का क्या होगा। सारी टिकटें बिक चुकी हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेजा जा चुका है। तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन आप प्लीज हरी डीके आ रहा हूं। भाई कहां ना आ रहा हूं। अगर तुमने इनका कहना न माना तो रूबी को बड़ी तकलीफ से मारूंगा, समझे? बोल, कहना मानेगा? अब डाजन की जान तुम्हारे हाथ में है रूबी। अगले हफ्ते तुम्हारे गाने पे डाजन का शो होगा। मैं उसे पानी पिला दूं? पहले मेरी बात सुन लो रूबी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लो डाजन गया काम से। नहीं नहीं, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करूंगी। पहले मैं उसे पानी पिला दूं? ठीक है। Very good.
जंगल 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 यहाँ से बहुत दूर है। मेरे सिवाय तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ से बहुत दूर है। नमस्कार, अब एक विशेष सूचना सुनिए। अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से खबर मिली है कि जंगल के कई जानवर जिनमें हाथी शेर चीते वगैरह शामिल हैं शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देखे गए हैं। इन खूंखार जानवरों का समूह तेजी से शहर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सब जानवर काफी गुस्से में लगते हैं। किशनकांत वर्मा? यस, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कमिश्नर साहब। जंगल के बहुत से जानवर शहर की तरफ आते देखे गए हैं। आप टार्जन का शो कैंसिल कर दीजिए। जी, ये कैसे हो सकता है? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो सब जंगली जानवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कमिश्नर साहब, मैं मजबूर हूँ क्योंकि शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डियर ऑडियंस, आज आप टार्जन का तमाशा देखने जा रहे हैं। टार्जन अपनी जान पे खेलकर तरह तरह के तमाशे दिखाने वाला है। टार्जन को पकड़ने और ट्रेन करने में मेरी होने वाली पत्नी रूबी का बड़ा हाथ है। कम ऑन रूबी, ऑडियंस को हेलो कहो। हेलो, मुस्कुराओ। आज का तमाशा टार्जन और रूबी के नाम पे है। Ladies and gentlemen, a big hand for Ruby. ध्यान से सुनिए, शहर की तरफ जंगली जानवरों का गिरोह बड़ी तेजी से चला आ रहा है। आप लोग अपने घरों में रहिए, ये जानवर कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत खतरनाक है। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। बिल्ली पालने का शौक होता है, मैंने ये टार्जन पाल रखा है। देखा न होगा।
जेंटलमैन अपने दिल को संभालिए, क्योंकि अपोलो सर्कस का टार्ज़न वो करके दिखाएगा जो आज तक संत साधु कर दिखाया करते थे। वहां ऊपर टार्ज़न है। और यहां इन नोकदार कीलों का ये फर्श, टार्ज़न वहां से सीधा इन कीलों के भीड़ में कूदेगा। टार्ज़न और नीचे ये आग का दरिया, लेट्स सी लेडीज एंड जेंटलमैन, टार्ज़न इस आग के दरिया को पार कर सकता है या इन आग के शोलों में समा जाता है। टार्ज़न बताएगी आपको टार्ज़न को ट्रेन करने में कितना टाइम लगा। मैडम इस शो के बाद में आप डीके साहब के साथ शादी करने वाली है, कहाँ और कैसे मिला मैडम? आपको इसके लिए क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी?
ये कोई मार पीछे मारधार नहीं है, ये ताजन के शो का दूसरा भाग है। तालियां 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 ताजन। दूंगा
तालियां तालियां दोस्तों तालियां। चलो रूबी, come on, चलो, come on, come on, come on, चलो, come on, चलो रूबी, तस रूबी, come on, रूबी, दोस्तों दोस्तों रूबी 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 कम ऑन रूबी कम ऑन रूबी।
Yeah, that's better.